अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक एंड वीडियो। दिस इज मलिक अमजद, आप देख रहे हैं टेक्निकल वीडियो चैनल। तो गाइस फाइनली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो कंपनी के एक और अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन जब लॉन्च होगा, स्मार्टफोन के साथ आपको क्या फीचर दिए जाएंगे, क्या प्राइस होने वाली है, क्या लॉन्च डेट होगी, क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वेल फॉर मनी होने वाला है या नहीं, क्या आपको स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं, कंप्लीट डिटेल के साथ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और हाँ गाइस, ये वीडियो कॉन्सेप्ट ऐसे होने वाली है, कंप्लीट डिटेल को जानने के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना है। और ऐसी मजीद लेटेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियोस को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निक बेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूं। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का डिस्प्ले फीचर की। स्मार्टफोन का डिस्प्ले साइज 6.5 इंच का है, 7/22.5% की स्क्रीन टू बॉडी रेशो दी जाएगी, एक्सपेक्ट रेशियो 20:9, रेजोल्यूशन 1080 की जाएगी, रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का दिया जाएगा। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, स्मार्टफोन का डिस्प्ले में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो एमोलेड की है 18 मिलियन कलर्स के साथ, पिक्सल डेंसिटी 400 की दी जाएगी। नो डाउट ओप्पो की कंपनी ने स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर काफी अच्छा काम किया, आप स्मार्टफोन को डिस्प्ले वाइज कंसीडर कर सकते हैं। और ये स्मार्टफोन 3 वेरिएंट्स में लॉन्च होगा। जो सबसे पहला वेरिएंट है वो 4GB रैम और 64GB रोम के साथ आएगा, सेकंड वेरिएंट 6GB रैम और 128GB रोम के साथ लॉन्च होगा, और इस स्मार्टफोन का थर्ड वेरिएंट 8GB रैम और 256GB रोम के साथ लॉन्च होगा। इस स्मार्टफोन के साथ आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, साथ आपको 33W का फास्ट चार्जर इस स्मार्टफोन के बॉक्स के साथ दिया जाएगा, जो स्मार्टफोन को 85 मिनट में 0 to 100 फुल चार्ज करेगा। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की। नॉट डाउट ये स्मार्टफोन गेमिंग परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग होने वाला है, क्योंकि स्मार्टफोन में दी जाएगी कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 870 की 5G की चिपसेट, आपको भी हैवी गेम स्मार्टफोन पर आसानी से रन कर सकेंगे। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की। स्मार्टफोन के बैक साइड पे ट्रिपल कैमरास का सेटअप दिया जाएगा, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा, जिसकी मदद से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे, और फ्रंट पे सिंगल सेल्फी शूटर पंच होल कैमरा दिया जाएगा, जो कि 32 मेगापिक्सल का होगा, जिसकी मदद से आप 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। और साथ ही डिस्कस करेंगे स्मार्टफोन के अदर फीचर को। स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट साइड माउंट दिया जाएगा, USB-C टाइप की पोर्ट दी जाएगी, 3.5mm ऑडियो जैक दिया जाएगा, एंड्रॉइड 12 OS का सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन में रन करता हुआ नजर आएगा। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्राइस की। पाकिस्तान में स्मार्टफोन की जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो 58,000 है, और इसी स्मार्टफोन की प्राइस इंडिया में 29,000 तक एक्सपेक्ट की जा रही है, और ये स्मार्टफोन मार्च 2022 में पाकिस्तान में लॉन्च होगा। सो गाइस, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि ये स्मार्टफोन आप लोगों को कैसा लगा, और ऐसी मजीद लेटेस्ट आपको स्मार्टफोन की वीडियोज को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेल फोन के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।